एक मशहूर फिल्म का गीत है कि पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद नहीं रोके, और बिल्कुल सरहद एक इश्क को नहीं रोक पाई। पाकिस्तान के कराची से एक महिला जो शादीशुदा थी वो एक इश्क के चलते भारत तक पहुंच गई और इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सीमा हैदर और उनका इश्क सचिन। सीमा जी, कैसे रही ये पूरी जर्नी आपकी पाकिस्तान कराची और ग्रेटर नोएडा तक की? बहुत मुश्किल थी सर, यहाँ तक आना आसान नहीं था। मैंने बहुत खर्चा करा और बहुत दिक्कतें आई, बच्चे बेचारे उल्टियाँ और बीमार से भी हो गए यहाँ तक पहुँचने में। गाड़ी, जहाज, जहाज दूसरा जहाज, फिर बस, फिर वेन, बहुत मुश्किल था। एक शादीशुदा पाकिस्तानी महिला जिसके चार बच्चे हैं, उसे एक हिंदुस्तान के लड़के से इश्क होता है, ये इश्क की कहानी कैसे बनी, शुरुआत कैसे हुई, वो जानना चाहते हैं आपसे। पहले तो सर मैं अकेली रहती थी, पापा थे मेरे, वो दिन में काम पे रिक्शा चलाते थे, ऑटो वो चले जाते थे, और फिर सारा दिन अकेली थी। रात को 9 बजे आते थे मेरे पापा, जब तक वो जिंदा थे। तो दूसरी बात, मैं अकेली थी तो बोर होती थी, दिन पबजी खेला करते थे हम लोग, तभी नहीं खेलते थे और लॉकडाउन नहीं थे तब। मेरे पति उसमें चले गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए ना, तो पैसे वगैरह भेजते थे, तो मैं मोबाइल चलाती थी, पबजी खेलती थी इनके साथ। ये मेरे साथ पहली बार आए, फिर हम खेलते खेलते अच्छा खेलते थे, पुराने थे, मैं नई थी पबजी में, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। दोस्ती से फिर 21 में हमारा थोड़ा प्रपोज हुआ, इन्होंने मुझे करा, मैं इनको करा, हम दोनों नंबर एक्सचेंज हुए। वो तो 20 में ही हो गए सर, इसमें हमारा प्यार हो गया बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद तभी हमने 21 के 7वां महीना था या 8वां महीना था, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते, ये मेरे बगैर नहीं, क्योंकि इनके भी रिश्ते आ रहे थे, इनके रिश्ते आ रहे थे, इनके पापा रोज करते थे शादी कर ले, और मैं भी अकेली थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये शादी कर लें, किसी और को हो जाए, और ये भी कर भी नहीं रहते, मेरे मना करने की ज़रूरत ना पड़ी, खुद कहते थे मैं कभी नहीं करूँगा, मेरे लिए मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। तो सीमा, पहली बार पाकिस्तान की सीमा आपने कैसे लांघी और कहाँ पहुँची आप, उसके बाद ये भारत तक का सफर कैसा रहा, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। पहली बार मैं 10 मार्च को आई थी सर, तब इनसे सिर्फ मुलाकात के लिए। तो कहाँ हुई थी वो मुलाकात? नेपाल में, क्योंकि यहाँ का वीजा नहीं मिलता, मैंने यहाँ के वीजे के लिए भी ट्राई करा था। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट सोचा कि भाई मैं गलत तरीके से जाऊंगी, पहले मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ आऊंगी। मैंने वो फहाद अब्बासी है, उनसे रिक्वेस्ट भी करी, उनको उनका काम था इंडिया के वीजे, उनके पापा यूट्यूबर है, सफेद दाढ़ी है उनकी, तो वो इंडिया के बारे में वीडियो बनाते हैं, और इंडिया की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीजा लगा दें, वीजा लगा दें, दिक्कत ना करें। तो उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट करी, सारी फोटो खींचा इंडिया के वीजे के लिए, सब कुछ मैंने सारे काम करे इंडिया के वीजे के लिए, विदाउट पट्टा और चाहिए फोटो में, तो वो सारे फोटो मैंने खिंचवाए, सब कुछ इंडिया करे। इन्होंने आधार कार्ड भेजा, राशन कार्ड की कॉपी भेजी, वो मैंने निकलवा के उनको दी थी कि भैया मुझे मतलब जाना है इंडिया, पर कॉपी भी डॉक्यूमेंट पूरे ना हो पाए, 3 चीजें होनी चाहिए। तो पहली बार आप जब नेपाल आई तो कुछ दिन आप रुकी भी थी सचिन के साथ? हम रुके 7 दिन, रुके, हमने शादी करी। कहाँ शादी हुई आपके नेपाल? पशुपतिनाथ में सर। उस वक्त बच्चे नहीं थे आपके साथ? अकेले आए थे सर। तो घर वालों को क्या कह के आएंगे आप? लाहौर का सर, जी लाहौर घूमने जा। अच्छा, कि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है तो जाना वाना, किसी को भी पता नहीं था कि मेरे पे पासपोर्ट मैंने बनवाया है सर, मुझे पता था कि मेरे पासपोर्ट। सीमा हैदर जब नेपाल आई, उनकी शादी हुई सचिन से, तो आपको डर था कि इनको भी डर होगा कि एक पाकिस्तान की महिला है, ये एक हिंदुस्तान से, आप वापस आएंगी, या आपको लगता था ये वापस आएंगे? फिर इनको मुझ पे भरोसा था, हाँ, इनको लोग कहते थे अरे पाकिस्तान लड़कियाँ फ्रॉड होती हैं, एजेंट होगी कहीं, हाँ ऐसे इनको लोग कहते थे। हालांकि मुझे मतलब थोड़े पैसे कम हो गए मेरे पास, तो ये मुझे भेजने के लिए इन्होंने कोशिश करी, किसी से मांगे, तो कहा यार छोड़ दे, आना होगा तो आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान लड़की को भेज रहा है, इस टाइम को कहा गया कि फ्रॉड होगी, तेरे से पैसे लेके आएगी भी नहीं, लोगों ने कहा, तो मैंने मुझे लोग को अपने को मत भेजा, बोले तो मैं यहाँ पर टिकट जो है सस्ती हुई तो मैं आऊँगी, वरना मेरे वाले कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऊपर वाले की कृपा से मुझे 6 लाख में टिकट मिल गई, हम 5ों की, बच्चों की 1,20,000 में इस तरह, और मेरी थोड़ी 40 तरह कितने मिल गई, 6 लाख। नेपाल पहुँचे फिर आप? नेपाल के, और वहाँ से फिर आप बॉर्डर क्रॉस करके गैर तरीके से, ये मेरा किराया में कि मैं गैर नेपाल, फिर आप गिरफ्तार भी हुए? जी सर, गिरफ्तार हमें कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि मैं कमरे में ही रहती थी, बाहर कहीं नहीं जाती थी, हम कोर्ट में रिश्ते लिए वकील के पास। भारत की सरकार से, सूबे के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, वो आप आ गई हैं? योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, वहाँ आ जाए, कल गंगा नहाएंगे,
उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करे, मैं नहीं जाऊँगी, पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहती। आपके जो शोहर हैं वो सऊदी अरब से वीडियो बना रहे हैं कि मेरी बेगम जो है उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे इससे? मैं सर नहीं जाऊँगी, वो ऐसे ही कह रहे हैं, और इतने साल समय उनको याद नहीं आया, इतना समय हो गया था मैं यहाँ पे हूँ, तब उन्होंने मुझे पाने की या मिलने की कोशिश ना करी, जब वीडियो में वायरल होने लगी तभी उनको पता पड़ा है, कभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो घरेलू हिंसा का शिकार थी आप एक तरीके से पाकिस्तान में? ये बहुत गलत और गाली गलौज देते हो, हमेशा कहते थे मैं आऊंगा तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा, और डिवोर्स की बात भी इन्होंने खुद ही करी थी, मैंने कभी नहीं करी थी।